उस समय भी मैं एक दिन वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उसी समय साहब ने पारा जी को लगवाया हुआ था फोन, बात हुई तो वो ऑक्सीजन अपना हटा करके उनसे बात कर रहे थे कि पारस क्यों हर टाइम ये पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हो, चिराग के खिलाफ बोलते रहते हो, है ना, मत बोलो मत करो, मतलब हॉस्पिटल तक में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने इनको फोन करके, क्योंकि चिराग बहुत इमोशनल है, बहुत रो रहा था, मैंने फिर पारस जी को फोन करके, क्यों पारस जी आप ऐसा कर रहे हैं, ये है मेरा बच्चा है, कैसे घुट घुट के जी रहा है, कभी कभी मुझे डर लगता है, मैं इसके दोस्त को हमेशा साथ में रखती हूँ, कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो गया मैं क्या करूँगी, मेरा तब कुछ रहा नहीं, एक मेरा बेटे के सिवा कुछ नहीं। इन लोगों ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया, एक साहब के नहीं रहने से, एक आपको मंत्री बनने से, मैं आपको दे देती सब कुछ दे देती, ये तो अगले दिन टाइफाइड में था, गया था, कल परसों दो दिन से सुन रही हूँ, मुझे इतना रोना आता है, मुझे समझ नहीं आती मैं अपना किसको जाके अपना दुख बोलूं, किसको कहूं, मतलब वो पारस जी मम्मी को बोलते रह गए कि चलो मीडिया में कोई इंटरव्यू ऐसा जैसे होता था, कभी नहीं आती, कभी मैंने कहा था, मैं पीछे रह करके मैं उनके साथ खड़ी जरूर हो गई, मुझे बोलना नहीं आता, मैं पहली बार, आप मुझे अभी भी देख रहे हैं, मैं बहुत लड़खड़ा करके नहीं बोल सकती, मैं नहीं कभी आई सामने, मतलब साहब ने इन पे विश्वास करके हाजीपुर सीट जो है इनको दिया गया, वो नहीं चाहते थे, वो मुझे चाहते थे, बहुत मुझे मनाने में उन्होंने कोशिश की, इससे कहलवाते थे, हर करीबी जानते हैं कि पापा की पहली पसंद और आखिरी पसंद मम्मी ही थी, इनके पीछे वो मतलब दिलो जान से लग गए हाजीपुर, बस वो मुझे भी समझ नहीं आती कि ऐसी नौबत क्यों आई, पहले ऐसा नहीं थे, ये लास्ट एक साल से जो है, जब से चिराग अपने पांव पे खड़ा हुआ, एमपी बना, सब कुछ हुआ, उसके बाद से उनको लगा कि मेरा हक छीन रहा है, उसके बाद उन्होंने जो है ये हर समय पार्टी के खिलाफ बोलना, चिराग के खिलाफ बोलना, एक साल तक वो ऐसे करते थे, हर 15 दिन में, 1 महीने में वो इस तरह करते थे साहब, बहुत पापा जब हॉस्पिटल में भी थे, हाँ उस वक्त भी, उस समय भी मैं एक दिन वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उसी समय साहब ने पारस जी को लगवाया हुआ था फोन, बात हुई तो वो ऑक्सीजन अपना हटा करके उनसे बात कर रहे थे कि पारस क्यों हर टाइम ये पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हो, चिराग के खिलाफ बोलते रहते हो, है ना, मत बोलो मत करो, मतलब हॉस्पिटल तक में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने इनको फोन करके, क्योंकि चिराग बहुत इमोशनल है, बहुत रो रहा था, मैंने फिर पारस जी को फोन करके, क्यों पारस जी आप ऐसा कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे थे आने का, ये सुबह 12 बजे से जाना चाहता था, बैठ के बात करना चाहता था, तो वो टाइम नहीं दे रहे थे, मैंने कहा आप बुलाइए उनको, बहुत रो रहा है। तब बोले कि पहले बोले सोएंगे वो करके, फिर उनका अपना बेटा जाकर के वहां पे रोया है, मुस्कान जाकर के रोया, तब उन्होंने फोन करके इसको बुलाया कि आओ, तब जाकर के मिठाई खिलाई, नहीं सब कुछ ठीक है। तो इस तरह का उनका 1-1.5 साल से जो है इस तरह का चल रहा था। उन्होंने भी देखा नहीं, वो बहुत बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, कभी कभी तो वो 1-1 महीना तक बात भी नहीं करते थे। मैं ही कहती थी कि नहीं नहीं पारस जी को बुला लीजिए, बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, परिवार का कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो फिर बोलते नहीं नहीं छोड़ दो पारस को, अपने पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया है, इस तरह का जो काफी वो करते थे। पर कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या नहीं है, ये तो बाद में पता चला कि इनको मंत्री बनना था, इस वजह से ये सारा चीजें कर रहे थे। कभी भी कुछ भी था, जैसे जिस रात भी ये हुआ अंजना जी, है ना, 13 तारीख की रात में, उस रात में भी मम्मी फोन करती। पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि मुझे पता है कि इनके लिए ये कितना मुश्किल है ऐसे आके ये सारी बातें बोलना। इन्होंने हमेशा घर परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश की, पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने कितनी बार परिवार के लोगों से के लिए पापा से लड़ी भी है कि नहीं ये आपके भाई हैं। मैं इस घर में 44 ईयर से हूँ, 44-45 साल हो गए, मेरी तो दुनिया ही ये थे, साहब, मेरे बच्चे, पारस जी, रामचंद्र, इनका परिवार। इसके अलावा मेरे सारे रिश्तेदार नाराज होते थे कि आप उन्हीं को देखती हैं, किसी का नहीं। इनसे पूछे मैं कौन सा दुख, सुख, खुशी, गम में मैं शामिल नहीं थी, कौन से हॉस्पिटल में मैं वो नहीं थी इनके परिवार में। लेकिन आज इनको मेरा एक बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, आप आते, मैंने बहुत बार बुलाया इनको, उस रात बहुत फोन किया, बहुत वो गए स्पीकर साहब से मिले, उस रात भी मैंने बहुत फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाते, कोई बच्चे फोन नहीं उठाते, मैंने चिट्ठी लिखी, मेरी चिट्ठी इन्होंने वापस कर दी अभी साहब, तीन उस पे मैंने बरखी का भी लिखा कि क्या हम लोग इकट्ठे बरखी मनाएंगे, इन्होंने चिट्ठी वापस कर दी,
पढ़ी नहीं। और अब मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मेरे साहब और मेरे बेटे के रिश्ते के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा मुझे मानते थे। मतलब हम लोग कोई वो नहीं है, हम उनके परिवार नहीं है। कैसे कहते हैं कि भाभी और चिराग से ज्यादा साहब मुझे मानते थे। ठीक है, आपको उन्होंने एमएलए बनाया, आज तक वो करते आए थे। उस समय बेटा नहीं था ना, जिस समय आपको एमपी एमएलए बनाया उस समय बेटा नहीं था आपकी। सब करता है। इन्होंने भी अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अगर मैं चाहती तो मैं कुछ भी करने नहीं दे सकती थी, पर मैंने इनसे ज्यादा, अगर ये कहते थे कि 50 करना है तो मुझे लगता था नहीं 100% करना है। हर टाइम में मैं इनका मैंने साथ दिया। पिछले एक साल से, लेकिन आप कह रही हैं जब से चिराग, ये तो चलते तो काफी दिनों से थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये बहुत ज्यादा, वो जब से इनको लगा कि अध्यक्ष पद से, और अध्यक्ष पद आज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं साहब कुछ भी छुपाते नहीं थे। एक एक बात जो है हमारे घर में, हर चीज जो है इकट्ठे बैठ करके हम लोग तय करते, डिस्कस करते थे। साहब कभी बाहर से भी आते थे, सब बात जब तक बोल नहीं लेते थे उनको चैन नहीं आता था। मेरा भी वही नेचर था कि कुछ भी, चाहे परिवार की बात है, बाहर की बात है, कुछ भी है, बच्चों की बात है, जब तक शेयर नहीं करती थी मुझे भी चैन नहीं आता था। तो उनको ये था कि अब हम लोगों के हेल्थ ठीक नहीं है, पारस की भी हेल्थ ठीक नहीं है, तो अब आगे बच्चों को कर देना चाहिए है। तो पारस को करके मैं मुस्कान को वो बनाता हूँ, ये प्रिंस को, हाँ प्रिंस को बनाता हूँ। तो ये उनका डिसीजन था, चिराग का कोई डिसीजन नहीं था। जो बार बार कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया, क्यों, ये साहब का डिसीजन था, उन्होंने इनको वो किया है। उस समय क्यों नहीं विरोध किया, उस समय आपको बोलना चाहिए था जब ये अध्यक्ष बना था, उस समय बोलते। उस वक्त तो बल्कि उन्होंने खुद मेरे नाम का प्रस्ताव रखा जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बन रहा था। मुख्य प्रस्तावक चाचा थे भैया, आप उस वक्त विरोध करते, उस वक्त आप बोलते। और सारी बात एक तरफ अंजना जी, सिंपल सा है कि एक बार बस घर परिवार में बैठ के बात कर लेते। कुछ नहीं, मैंने बहुत कोशिश की इस बीच में, एक साल से मतलब समझ लीजिए कि मैंने इतनी कोशिश की। लास्ट 4-5 महीने पहले भी कभी खालिक साहब को भेजती थी, कभी मुस्कान को बोलती थी, कभी प्रिंस को बोलती थी, एक बार पारस जी से बात करा दो, एक बार आ जाएंगे हम लोग बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। उनको जिस चीज से तकलीफ है मैं उसे उसी समय हटा दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आए। मैंने अपनी देवरानी से बहुत कोशिश की कि वो आए बैठे, एक बार हम लोग बात कर लेंगे तो सब परिवार ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये जो रात के समय चोरों की तरह से आपने जो पार्टी को तोड़ा है, आप एक बार आते, हमें धमकी दे के जाते, बोल के जाते, मीडिया में भी बोलते कि मुझे ये बनाओ नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा, हम जाते, हम सब कुछ करते उनके लिए, एक बार बोलते तो सही आके। इस तरह तोड़ना ये कोई सही बात नहीं। लेकिन पिता को खोने के साथ एक साथ मतलब हम लोग तो उनका अभी तक शोक भी नहीं ढंग से मना पाते हैं, हम लोग बात भी नहीं कर, इतना स्ट्रेस है हम लोगों के ऊपर, इतना स्ट्रेस है, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ कुछ बोल जाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ बोल जाते हैं। और ऐसी ऐसी बातें अंजना जी वो कि जो बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक भी मतलब मेरे हॉस्पिटल में बताइए कि क्यों उनका बुलेटिन नहीं, एक बार ये नहीं गए हॉस्पिटल पापा को देखने, एक बार भी नहीं गए, फोन से मुझसे पूछते थे। मैं खुद कोरोना में थी, मैं खुद मतलब मैं इतना वो होती हूँ कि मैं सारी जिंदगी साहब के साथ में रही, मैं कभी भी एक रात साहब के बिना मैं कभी अपने मायके में नहीं रही, जबकि उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। कभी नहीं, बाहर भी हम गए, इलाज के लिए भी गए, साहब को ये भी नहीं पता था कि किस चीज का मेरा इलाज हो रहा है, क्या मैं दवाई खा रहा हूँ, कौन सी, वो हमेशा कहते बीके को पता है सब कुछ, बीके को पता है सब कुछ, का नाम बीके। मुझे बीके साहब बोलते थे, है ना, सब कुछ इसको पता, उनको कुछ पता नहीं था। और आज ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि इनका रिश्ता, मेरे रिश्ते के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं बहुत बहुत, और मैं जानती हूँ कि इस बीच में ये क्या करते थे, आते थे साहब को कितना स्ट्रेस देते थे, करते थे, और मतलब 13वीं के बाद से को लेकर कि वो मेरे भगवान है, भगवान है। मैंने देखा है, इन्होंने देखा है कि पापा को उन्होंने कितना दुखी किया, कितना परेशान, इतना स्ट्रेस, पार्टी को लेकर, कोई काम को लेकर, मंत्रालय में काम को लेकर, मतलब आई डोंट नो ब्लैकमेल बोलना सही शब्द है कि नहीं, पर उस लेवल तक का पापा को स्ट्रेस देखा। और आज कहते हैं मेरे भगवान है, मतलब हम लोग की तो कुछ है ही नहीं, हमने तो 45 साल जिंदगी वैसे ही बिताई है, क्या मेरा बेटे के साथ उनका कोई संबंध नहीं था क्या? आप दुनिया जहां से पूछिए, आप पूरे बिहार में किसी से भी जाके पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, लोग बताएंगे। मेरे यहां जो आता है लोग खाली कुछ नहीं है, लड़ता है,
आपको हम मना करते थे, आप क्यों इतना करते हैं, क्यों इतना करते हैं, हम लोगों के लिए नहीं सोचते। परिवार अलग हो गया था, आपने देखा था कि और सब परिवार के लोग दुखी कि नहीं खाली ये उन्हीं का देखते हैं, उन्हीं के परिवार में टिकते हैं, उन्हीं के परिवार में सब कुछ, हम लोगों के लिए कुछ सोचते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था नहीं, पारस रामचंद्र मेरी यही दुनिया थी, मैं अपनी देवरानियों से बहुत प्यार करती थी, पर मेरी देवरानी, मेरी बीच की देवरानी ने 13वीं के बाद से मुझसे कभी बात नहीं की, एक बार नहीं पूछा कैसी हैं, कैसे जी रही हैं आप, कोई नहीं है, हम दोनों माँ बेटा हैं, एक बार तो होता, मुझसे पूछती तो सही। आपने खाली पारस जी की बातें सुनी, उन्होंने जितना बोला सब झूठ बोला, केवल क्योंकि उनको मंत्री बनना था। आप एक बार मुझसे तो आके पूछती कि भाभी ये बातें हुई थी क्या, चिराग ने ऐसा बोला था क्या, एक बार मुझसे आके पूछती तो सब बात क्लियर हो जाती। आप आती लड़ती, इसके साथ लड़ती, इसको दो थप्पड़ मारती, बेटे के समान था ये, इतनी रिस्पेक्ट करता है उनकी कि नहीं, मेरा जन्म हुआ था तो मेरी चाची मेरे पास में थी, 2 महीने 3 महीने मेरी चाची ने मुझे रखा है, इतना रिस्पेक्ट करता है। आप आती पूछती तो सही, मैंने इतना फोन किया, आप फोन पे एक बार बात तो करती, ये नौबत ही नहीं आती, परिवार टूटने की नौबत नहीं आती। साथ रहने के बाद आज मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे पति के साथ मेरा क्या संबंध था, बेटे के साथ में उनका क्या संबंध था। आज मुझे अपने ही पिता के नाम के लिए लड़ना पड़ रहा है, इससे मतलब इससे ज्यादा क्या, मतलब आपने, अब भगवान कहते उनका घर भी छीन लिया आपने, और आज आप मतलब हम लोगों की पर उंगली उठा रहे, नहीं बर्दाश्त होता। अब अंजना जी बिल्कुल मतलब बर्दाश्त की सीमा चली गई, ये है मेरा बच्चा है, कैसे घुट घुट के जी रहा है, कभी कभी मुझे डर लगता है, मैं इसके दोस्त को हमेशा साथ में रखती हूँ, कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए, कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मेरा तब कुछ रहा नहीं, एक मेरा बेटे के सिवा कुछ नहीं। इन लोगों ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया, एक साहब के नहीं रहने से, एक आपको मंत्री बनने से, मैं आपको दे देती सब कुछ दे देती, ये तो अगले दिन टाइफाइड में था, गया था ना, आप वहां ब्लैकमेल करते मीडिया के सामने, आप उनको बोलते कहते कि मुझे मुझे दे दो सब कुछ, अध्यक्ष पद दे दो, मुझे मंत्री पद दे दो, हम ठीक है, तो सब कुछ अपना देने के लिए गया ही था। पॉलिटिक्स लेकिन बहुत मुश्किल है, आप समझ गए होंगे चिराग, उस विरासत को पब्लिकली क्लेम करना आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो भी भाई बन के, और जो उनका उनका एक तरीका है, रसिक है, वहाँ बिहार से है, तो आपको लगता है वो ज्यादा अंजना जी मेरी ताकत, मेरी ताकत या मुझे पापा के अब नहीं रहने के बाद हिम्मत सिर्फ दो चीजों से मिली, एक जिस मजबूती से मम्मी मेरे साथ खड़ी रही चट्टान की तरह, और मैंने इनको देखा है, पापा से भी अगर आप जब भी व्यक्तिगत तौर पर मिली होंगी आपने बात की होगी, उन्होंने भी हमेशा कहा कि मम्मी ही एक थिंक टैंक बोल लीजिए, ब्रेन बोल लीजिए, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बोल लीजिए, पापा हमेशा बोलते थे कि मैं खुल के बाहर राजनीति कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे घर पे बच्चों की चिंता नहीं होती, मम्मी है वो देखती है ये सब। मेरे लिए भी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर एक ये खड़ी रही है, और दूसरा जनता का साथ। मुझे इस आशीर्वाद यात्रा में, मुझे नहीं पता था अंजना जी, डे वन जब ये सब हुआ था और उसके बाद जब मैं पापा की जयंती के दिन मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे नहीं देंगे, बट जिस खुले हाथों से जनता ने मुझे स्वीकारा, और खासतौर पर महिलाओं ने, गांव में मैं जब जाता हूं वो मुझे यूं मेरा गाल पकड़कर माथे पे चूमती है और उनकी आंखों में रोती है, रोती है, वीडियो दिखाता हूं, तस्वीरें वो सारी दिखाता हूं, तो जनता ने मुझे जिस तरीके से स्वीकारा, जनता ने मुझे जिस तरीके से प्यार दिया, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मेरी लड़ाई ही नहीं है अंजना जी, मुझे ना मंत्री बनना है ना कुछ, मुझे नहीं, मुझे हमें कोई कुछ नहीं था, आप एक बार आते खाली बोलते, मुझे सिर्फ पापा के विचारों को, उनकी पार्टी को बस आगे लेकर जाना था, मुझे और कुछ नहीं, मुझे मंत्री बनना होता अंजना जी, एक बात को शायद आप भी ईमानदारी से कबूल करेंगे, मेरे पास सबसे आसान रास्ता था पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव, 15 सीटें एनडीए गठबंधन मुझे दे रहा था, पापा का निधन चुनाव के ठीक बीच में हुआ था, 8 अक्टूबर को, चुनाव का नामांकन पहले चरण का 12 या 11 अक्टूबर को था, उसी बीच में उनका निधन हुआ था, मेरे लिए सबसे आसान था, मैं सरेंडर करता भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी के सामने मैं बोलता भाई 15 सीटें दे दो मैं लड़ लूंगा, आज मेरे 2 मंत्री बिहार में होते, मैं खुद केंद्र में मंत्री बना होता, ये मैंने अलग रास्ता चुना ही क्यों, क्योंकि पापा ये चाहते थे, मुझे याद है मम्मी मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर साहब जिंदा होते तो कभी ऐसा नहीं होने देते, अलग नहीं, साहब के रहते हुए ये सब बातें हुई है, मतलब साहब हॉस्पिटल में थे, ये सब जाके घंटों बैठ करके पापा से बात करता था, और क्योंकि मैं कोरोना में थी तो इसका रूम और मेरा रूम वो बीच में एक दरवाजा है, तो हम खोल करके मुझे अपने रूम से बताता था, आज पापा से ये बात हुई, पापा ने ऐसे किया, मम्मी आपका क्या विचार है, मैंने कहा नहीं जो पापा कह रहे हैं वही करें, आज कहते हैं कि साहब होते तो अलग नहीं होने देते,
बोलते कि मतलब किसी सांसद इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सहमति थी, बिल्कुल सहमति। कुमार जी के साथ पापा कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पापा क्लियर थे, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला था कि नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है। जिस व्यक्ति ने बिहार को बर्बाद किया वो लोकसभा में भी अलग होना चाहते थे। लेकिन बीजेपी के साथ आने में एक अहम किरदार आपका था, जितने हम लोगों को खुद रामविलास जी ने बताया था कि ये आपका पैसा था, आपकी माँ का था, नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन वो बार बार कहते थे कि ये चिराग प्लेन कर, सबका था। तो अलग होना किसका पैसा? उस वक्त बीजेपी के साथ जब हम लोग गए थे उस वक्त नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग थे। मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। उस वक्त आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही बीजेपी से अलग हो गए थे। उस वक्त हम लोग बीजेपी के साथ गए थे। उस वक्त अगर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ होते पापा कभी इस बात को नहीं मानते, और शायद मैं भी इस बात के लिए सहमत नहीं होता, क्योंकि मैं खुद नीतीश कुमार जी की जो जातियों में बांटने की राजनीति है मैं उससे सहमत नहीं हूं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश समीकरण, सिर्फ जाति, 15 साल उन्होंने बिहार को दिया क्या जातियों में बांटने के अलावा? कोई एक अपनी उपलब्धि बता दें बिहार के विकास को, कोई आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, एजुकेशनल हब, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो लेकर गए बिहार में? कुछ नहीं, सिर्फ जातियों में बांटा। तो शायद मैं खुद भी नहीं मानता। तो उस वक्त हम लोग बीजेपी के साथ गए ही इसलिए थे, पापा भी इसीलिए माने, क्यों? क्योंकि नीतीश जी उनसे अलग हुए थे। 2017 में जब नीतीश जी रातों रात वापस एनडीए गठबंधन में आए उस वक्त पापा बहुत असहज थे। 19 के चुनाव में पापा अलग होना चाहते थे लोकसभा के चुनाव में। बहरहाल उस वक्त प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी सबके आश्वासन से बातचीत के बाद स्थिति बेहतर हुई, पर विधानसभा आते आते तक, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी ने हम लोग के प्रत्याशियों को हराने में, हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा था उसको उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। तो पापा इन सब बातों से दुखी थे और नीतीश जी ने तो उनको अपमानित करने के लिए आखिर तक कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पापा जिस दिन वेंटिलेटर पे थे उस दिन नीतीश कुमार जी उनके बारे में बोलते हैं कि जाके पूछे रामविलास जी से कि आपने 2 विधायकों से ही वो राज्यसभा चले गए थे क्या? इतना घमंड, इतना अहंकार। एक बार उन्होंने हॉस्पिटल में फोन करके नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता के, मेरे पिताजी के बारे में उनका हालचाल नहीं पूछा। तो पापा तो खैर शुरू से ही क्लियर थे कि इनके साथ मिलकर हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना, और ये बात पापा ने चाचा जी को भी सबको पता था, सबको भाई देखिए फिर जाकर के नीतीश जी के साथ में मिल गए, और जो मतलब इनका है कि जो साहब के विरोधी हैं सब उनके साथ में है। आप लोगों को भनक भी नहीं लगी कि अंदर खाने उनकी ऐसी बातचीत हो रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा उस समय लॉकडाउन चल रहा था, ये टाइफाइड में था, मैं इतनी परेशान थी, साहब नहीं है, मैं अकेले, मैं हॉस्पिटल से डरती थी कि मैं इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी। मैं चाहती थी चाहे जो भी इंतजाम करना पड़े मैं घर में करूंगी, मेरा बच्चा साहब, कोरोना भी है, सब कुछ है, कोई साथ नहीं था, कोई देखने के लिए नहीं आया। अरे मैं तो थी, मुझे तो उस समय कोरोना नहीं था, अगर इसको उन लोगों को लगता होगा कोई तो आता, देखता तो सही, भाभी से जाके देख तो ले बच्चा कैसा है कैसा नहीं, कोई नहीं। एक बार खाली फोन करके पूछ लिया, हो गया बस, कोई नहीं आया देखने के लिए, कोई, मैं अकेले इसके साथ में था। आगे का रास्ता आपको चिराग जब कैसे दिख रहा है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर रामविलास जी की पूरी विरासत को देखे तो समीकरण 7 दिन में वो हमेशा ही माहिर निकले, और ये एक ऐसा हुनर था जो वो रिश्ता बनाकर रखते थे। अब आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक तो घर वाले हैं, उसके अलावा राजनीतिक रूप से हम पूरे बिहार में देखे थे, क्या तेजस्वी यादव, आरजेडी, कोई कहीं पर कुछ समीकरण कुछ बनता हुआ? या फिलहाल से पापा का आशीर्वाद बस, कुछ हमने इनके साथ में रिश्ता नहीं तोड़ा। मैंने तो बहुत जोड़ने की कोशिश की, बहुत जोड़ने की, हर बार मीडिया में बोलते हैं मैं भाभी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा, कभी नहीं आए। हाँ मैं भाभी को बुलाऊंगा, चिराग को बुलाऊंगा, हम लोगों ने बरकी कुछ नहीं, मैं खुद गया था उनके घर पे देने के लिए, है ना। उन्होंने कल, वो भी पापा का पटना में पुण्यतिथि का कार्यक्रम कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद, हाँ कल, हाँ मैं गया था उनके घर पे, हाँ ये होने के बाद में, अभी बरखी से 5-6 दिन आमंत्रित करके आया था, पर उन्होंने वो कल पटना में वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं बाबा की पुण्यतिथि का, उन्होंने अपने घर के एक हेल्पर के हाथ से उन्होंने कार्ड भेजा कि वहाँ बहुत बिजी हैं, समय नहीं मिला उनको तो कार्ड दे रहे। एक एक छोटे छोटे आदमी को फोन कर करके बोल रहे हैं, एक एक आदमी को कार्ड भेज रहे हैं, फोन करके, पर्सनली फोन करके भेज रहे हैं, और भाभी और भतीजे को जिनके हस्बैंड का है, जिनके फादर का है, उनके उनसे उनको बुलाना के साथ। तो ये जंग और भी गहराएगी, कुछ जो वो करने की कोशिश कर, वो कुछ नहीं कर, वो खाली नीतीश जी को दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे साथ में नीतीश जी हैं, वो खाली उनको बुलाना चाह रहे हैं, वो जितना तामझाम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, केवल वो नीतीश जी को बुलाने के लिए कर रहे हैं, वो कोई साहब के लिए कर रहे हैं, पासवान साहब के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं। इतना खाली मैं कहता हूँ कि पापा को लेकर उनके मन में कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति का नाम वो हटा दे अपने,
मैं नहीं चाहती कि वो जो भगवान और भगवान का जो निरादर कर रहे हैं, जो अभी वो कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हस्बैंड का नाम ले। मोदी सरकार पर आपका क्या कहना है और बीजेपी पर क्या कहना है? आपको लगता है कि वहां कुछ गुंजाइश बन सकती है? नहीं, हम लोग भविष्य का है, अभी तो फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं, अभी तो इसको अपने को प्रूफ करना पड़ रहा है। मतलब ये नौबत आ गई है, प्रूफ करना पड़ रहा है। पहले तो मुझे यही बताना पड़ रहा है कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। ये बेटा सिचुएशन की, मतलब एक ऐसी परिस्थिति में बेटा, पिता के निधन को एक साल नहीं हुआ, बताइए जी, और मुझे ये साबित करना, बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ है। मैं कल परसों दो दिन से सुन रही हूँ, मुझे इतना रोना आता है, मुझे समझ नहीं आती मैं अपना किसको जाके अपना दुख बोलूं, किसको कहूं। मतलब वो पारा सी उम्र मम्मी को बोलते रह गए कि चलो मीडिया में कोई इंटरव्यू, ऐसा जैसे होता था, कभी नहीं आती, कभी मैंने कहा मैं पीछे रह करके मैं उनके साथ खड़ी जरूर हो गई, मुझे बोलना नहीं आता। मैं पहली बार, आप मुझे अभी भी देख रहे हैं, मैं बहुत लड़खड़ा करके नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं कभी आई सामने, नहीं आना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसी परिस्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, मुझे अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है। ये पारा जी जो अपने दिल की बात, मुझे लगता नहीं वो अपनी पत्नी से भी कभी कर पाते होंगे, मेरे साथ सारी शेयर करते थे, साहब के साथ उतनी बातें नहीं कर पाते थे, मुझसे सारी बातें शेयर करते थे। आज उनको इतना कुछ दिख गया कि मतलब साहब उन्हीं को मानते थे, हम लोग कुछ है ही नहीं थे साहब के लिए। बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ है। इनको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, इस बात पे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पर आप लोग यहाँ पर हैं और वो पटना में, वहां से क्योंकि बाय इलेक्शन भी होंगे 30 अक्टूबर को, वो सब साधने की कोशिश करेंगे, कैसे बाय इलेक्शन उस लेगेसी को आप लोग कैसे क्लेम करेंगे? बाय इलेक्शन में तो उनका सिंपल है, उनको नीतीश जी जिनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से वो मंत्री बने हुए हैं, उनको बस उनको अपना साथ दिखाना है, बस उनको दिखाना। मुझे और अंजना जी बस खुशी इस बात की है कि आज की तारीख में जनता मेरे साथ है, जनता का जिस तरीके से मुझे प्यार आशीर्वाद और मेरी आशीर्वाद यात्रा को मिला, मेरा बस विश्वास सिर्फ बिहार की जनता के ऊपर है कि मेरे चाचा ने, मेरे अपने परिवार ने जिस तरीके से मुझे धोखा दिया, अब ये 12 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है, उन्हीं के बीच में मैं रहा इतने समय। और इस चुनाव की भी अगर बात करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग दोनों सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अकेले ही लड़ रहे हैं, और पिछली बार भी अकेले लड़कर, अंजना जी ये भी एक बड़ी बात है कि अकेले लड़कर एक ऐसी परिस्थिति में, उसके बाद भी 6% मत हम लोगों ने पाया, और वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था। 100+ सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो ये मत प्रतिशत 12 से 14 का होता, और आज 15% वाले तो बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों सीटों पर हम लोगों की जीत होगी। कुशेश्वर स्थान मेरा घर है, पापा का ननिहाल है, जो एक सीट जहां पर चुनाव हो रहा है, और दूसरी तारापुर की सीट वो मेरी लोकसभा की ही एक विधानसभा है, तो दोनों से मेरा कहीं ना कहीं रिश्ता भी, उम्मीद है कि जनता साथ देगी। ये नीतीश जी को खाली खुश करना चाहते हैं, मतलब इनको पता है कि उन्होंने साहब के साथ कैसा व्यवहार किया, उनके बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बावजूद भी मतलब इसको नीचा दिखाने के लिए नीतीश जी ने इनको खरीद लिया, ये तो नहीं बिक पाया, उनको खरीद लिया और अपना ये पूरा साथ दे रहे हैं। उनकी खुशी के लिए पता नहीं ये क्या से क्या, कितना बिक जाएंगे, क्या से क्या करेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। वो इनसे क्या क्या करवाएंगे नहीं जानती हूँ। परिवार तोड़ा है अभी तो परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ी है, आगे वो क्या तोड़ेंगे कल आने के बाद से नहीं पता। सैद्धांतिक रूप से विचारधारा के स्तर पर आप अपने आप को एनडीए के पास पाते हैं, बीजेपी के पास पाते हैं, उसको जीरो डाउन कर देती हूँ, बीजेपी या फिर आरजेडी? मैं सिर्फ पूछूं क्योंकि आपको भी एहसास होगा कि अकेले अपने दम पर आप सीटें ले सकते हैं धीरे धीरे किंग मेकर की भूमिका में, या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको एक तरफ चुनना तो आप किधर रहेंगे? अंजना जी देखिए, कोई भी जब राजनीतिक दल होता है वो अपने मुद्दों पर होता है, अपने सिद्धांतों पर होता है। अगर सबके विचारधारा एक हो, सबके सिद्धांत एक हो, तो अलग अलग दल ही नहीं होंगे। सारे दल अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि सबके अपने मुद्दे, अपने अपने एजेंडे हैं। हम लोग का कमिटमेंट है समाज के गरीब, वंचित, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, हम लोग का कमिटमेंट है। पापा ने पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित की है, मेरा भी वो कमिटमेंट है। हम लोगों ने इसीलिए हमेशा, जब भी अलायंस हम लोग का हुआ है, वो इशू बेस्ड अलायंस है। पापा के बारे में हमेशा कहा जाता था कि सरकार किसी की भी हो, मंत्री ये जरूर रहते हैं, पर कहते ही थे, पर उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, हमेशा इशू बेस्ड अलायंस किया कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं। मैं भी ईमानदारी से, इस बार कहा जाता कि 2020 में मेरी नीतीश जी से सीटों को लेकर, भाजपा से सीटों को लेकर, मेरे लिए सीटों से ज्यादा मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट,
विजन डॉक्यूमेंट मेरा मायने रखता था। मैं नहीं मानता कि सात निश्चय से आप बिहार का विकास कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना आग्रह किया था कि भाई आप मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी उसमें स्थान दें, गवर्नमेंट एजेंडा में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जो कि हर गठबंधन सरकार में बनता है, और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत आप अपना भी एजेंडा रखें, मेरा भी आप एजेंडा चलाएं। पर उसको जब उन्होंने मान्यता नहीं दी, और ये मान्यता भाई मैं कल को किसी भी गठबंधन में जाऊंगा तो मैं अपने विजन को थोड़ी छोड़ दूंगा, तो जो भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा मैं बिल्कुल उनके साथ में रहूंगा। पर ये परिस्थिति आज की तारीख में नहीं है क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, ये दो उपचुनाव है जिसमें हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। बट हाँ, आने वाले समय में गठबंधन का स्वरूप तैयार होगा, एक मजबूत स्वरूप तैयार होगा। भाई मैं अंजना जी, अभी मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं, व्यक्तिगत संबंध मेरे सबसे बहुत अच्छे हैं। तेजस्वी मैंने हमेशा कहा मेरे छोटे भाई के समान है, लालू जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी भाइयों की तरह दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया लंबे समय तक, तो वैसे ही तेजस्वी भी मेरे छोटे भाई के समान है। बट हाँ, अगर इसके कोई राजनीतिक मायने हैं ये अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी प्राथमिकता मेरे नए पार्टी के नाम को और मजबूत लेकर जानी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और हेलीकॉप्टर जो हम लोग को मिला है उसको और ऊंचाइयों तक अभी लेकर जाना। आखिरी सवाल आपसे, जो रामविलास जी को आप किस तरह से याद करती हैं, श्रद्धांजलि देंगी, और साथ ही जिस तरह से हम पहली बार आपको यहाँ देख रहे हैं कि आप प्रचार में भी बेटे के साथ जाएंगे? नहीं, प्रचार में तो मैं नहीं जाऊंगी साथ में, मैं यहाँ रह करके मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो हमेशा बोलते हैं कि नहीं इन्होंने मतलब साहब ने इन पे विश्वास करके हाजीपुर सीट जो है इनको दिया गया, वो नहीं चाहते थे, वो मुझे चाहते थे। बहुत मुझे मनाने में उन्होंने कोशिश की, इससे कहलवाते थे। हर करीबी जानते हैं कि पापा की पहली पसंद और आखिरी पसंद मैटर मम्मी ही थी, इनके पीछे वो मतलब दिलो जान से लग गया हाजीपुर। बस वो मैंने बहुत कोशिश की, उन्होंने इससे कहलवाते थे, अपने और लोगों से कहलवाते थे कि नहीं लड़। मैंने कहा नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। चाचा हाजीपुर से लड़े, पापा कभी नहीं चाहते। हाँ, वो नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की तो ये बोले कि मैंने कहा कि नहीं पारस जी को, फिर वो सोचने लगे, बोले कि नहीं पारस वहीं पटना में है, वहीं ठीक है करके। फिर उनका था कि मेरी समधीन जो है ज्योति जी, उनको चाहते थे कि नहीं, तो फिर मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, उनको आप लड़ाएंगे, कांग्रेस की है और परिवार में भी वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर बोले कि तुम लोग विचार करो। फिर मैंने और चिराग ने बैठ करके बहुत सोचा तो दीपू ने बोला कि नहीं, चाचा ही ठीक है। विडम्बना देखिए, चाचा हाजीपुर से चुनाव लड़े और सांसद बने, मेरी और इनकी सोच है। और आज वो कहते हैं कि मुझे, मैं कैसे क्लियर करूं, वो मेरे सामने आते नहीं है, मुझसे बात नहीं करते हैं। बात करें तो मैं सब चीजें क्लियर करूं। बहुत सारी चीजें जो मीडिया में केवल झूठ बोलते हैं। आज मैं मजबूर होकर के मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, मुझे कहना पड़ रहा है कि सब चीज झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं मतलब मेरी। और इसकी वजह से आज वो एमपी है, साहब की वजह से एमपी नहीं है, वो नहीं चाहते थे। ये मैं आज क्लियर कर दूं। बहुत धन्यवाद आपका, पहली बार बात की और हमारे दर्शक। और साहब को हम लोग इतना याद करते हैं, इतना मतलब हमारी तो दुनिया ही वही थी। हमारी छोटी सी फैमिली है, हम चार, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम हर चीज कुछ भी डिसीजन करते थे, हमारा चारों का होता था, बाहर का कोई आदमी शामिल नहीं होता था। हमारा परिवार इतना एकजुट था, मतलब इतना एक दूसरे पे विश्वास था। मैं, वो क्या कर रहे हैं मुझे पता था, मैं क्या कर रही हूँ उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा था। कह रहे थे जो भी करेगी सही करेगी। बहुत हम लोग को तो याद करने का मौका भी नहीं देते हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं साग के बारे में, ये करेंगे फिर ये कुछ ना कुछ हम लोग के खिलाफ में बोलना। मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोग को अकेला छोड़ दें। आप लोग हमारी पीठ में जो छुरा घोपना था कर दिया, अब हम लोग को अकेला छोड़ दें, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दें। हम लोग बहुत कष्ट से चाह रहे हैं पूरा करने का। वो बरखी मैं करूंगा तो वो भी उधर कोई आयोजन करेंगे। भाई जो बेटे के अधिकार हैं, जो वो इसको बस जो बेटे के परंपराएं हैं वो तो मुझे करने दें। पुण्यतिथि है क्या, मैं एक बेटा होने के नाते मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनके लिए करूं। आप उधर, आपने इसको भी एक कॉम्पिटिशन का इवेंट बना दिया। बरखी है उसको आप कॉम्पिटिशन का इवेंट बना देते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका खून हूँ, उनका अंश हूँ। जबकि जानते हैं कि जिम्मेदारी है कि मैं सब करूँ। जबकि जानते हैं कि हम लोग कोई भी बातचीत कर रहे होते थे तो साहब, दीपू इधर आओ, इसके घर का नाम दीपू है, बीके इधर आओ, सब जब तक हम लोग नहीं बैठते थे वो कोई डिसीजन नहीं लेते थे। बिल्कुल, बस मैं इतना चाहती हूँ, बस ये झूठ बोलना छोड़ दे, इनको अपने अपने बल पे जो इनको करना करे, मेरे पति का नाम लेना छोड़ दे, मेरे बेटे को तंग करना छोड़ दें, अपने बल पे जो करना चाहते हैं करते हैं।
खाना बंद किया, अपनी पार्टी अपनी पार्टी जो करना करे, बस मैं नहीं चाहती।